Hello friends, welcome back to our channel. In this video, we are going to discuss about impact of COVID-19 on the economy. So let's begin. अगर हम COVID-19 की बात करें, then COVID-19 से अभी तक near 30 lakh लोग इससे infect हो चुके हैं and presently जो सबसे ज़्यादा cases हैं वो US के अंदर हैं. अगर हम COVID-19 के impact की बात करें, then globally and Indian economy दोनों पर इसका काफ़ी ज़्यादा impact हुआ है, but Indian economy पर इसका impact कुछ कम हुआ है अगर हम globally compare करें then. So US के अंदर हमें सबसे ज़्यादा cases देखने को मिले हैं जो कि near 10 lakh हैं. एंड अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, देन ग्लोबल मार्केट के अंदर जीडीपी लॉस सबसे ज़्यादा हुआ है. जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा वेस्टर्न यूरोप के अंदर गिरी है. एंड यहाँ पर जो आपको इमेज हो रही है उसके अंदर जो डार्क ग्रीन एरियाज है वो अच्छी जीडीपी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जिनकी जीडीपी ग्रोथ अभी नियर 6% से ज़्यादा है ये वो कंट्रीज हैं. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, देन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अभी नियर 3-6% के बीच है. एंड जो रेड जोन जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा गिरी है जो कि नियर -3 to -6% है. एंड अगर हम वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, देन वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लॉस COVID-19 की वजह से हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर. बाकी जितने भी अभी तक वायरसेस या फ्लूज आए थे उनसे इतना लॉस नहीं हुआ जितना हमें COVID-19 की वजह से देखने को मिला है. अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, देन इंडियन इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी 2019 फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरता जा रहा था. एंड अभी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज़ नियर 4.5%. एंड जो रेमिटेंस साउथ एशिया कंट्रीज के पास आता है उसके अंदर भी 83.1% नियर रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता है जो कि उसकी जीडीपी का 2.8% है. सो यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि नियर 23% लॉस हमें इसकी वजह से देखने को मिल सकता है. बिकॉज ऑब्वियसली जो भी लोग बाहर काम कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी जॉब जा सकती है एंड जॉब्स जाने की वजह से जो रेमिटेंस है वो अपने आप ही गिर जाएगा. एंड अगर हम कुछ मेजर सेक्टर्स की बात करें, देन यहाँ पर मैंने कुछ मेजर सेक्टर्स लिए हैं. यहाँ पर सभी सेक्टर्स कवर नहीं हुए हैं बट कुछ सेक्टर्स यहाँ पर मैंने कवर किए हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हो रहा है एंड किस सेक्टर के अंदर हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है. अगर हम FMCG सेक्टर की बात करें, देन FMCG सेक्टर इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है. एंड जो इसकी मेजर आइटम्स है वो हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आती है जो कि नियरली 50% FMCG की सेल्स है. इफ़ हम प्री COVID-19 की बात करें, देन प्री COVID-19 के अंदर जो सेमी अर्बन और रूरल सेगमेंट थे वो सबसे ज़्यादा FMCG को कंट्रीब्यूट कर रहे थे एंड रूरल स्पेंडिंग थी वो इंक्रीज होती जा रही थी. बट अभी COVID-19 आने की वजह से जो ये प्रोडक्शन है ये रुक चुकी है. जो डिमांड है वो बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से ऑलरेडी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है एंड प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो रहा है. एंड इन केस प्रॉफिट ज़्यादा डिक्रीज होता है देन ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी. एंड इन केस हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती है देन हमारी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है. एंड अगर हम पोस्ट COVID-19 की बात करें, देन यहाँ पर जो मेजर फैक्ट्रीज है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है एंड हाईली 20-30% ऐसे वर्कफोर्स है जो कि अभी कुछ फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं वो भी सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स की है. एंड जो FMCG है वो दो चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है जिनमें एक आती है एसेंशियल आइटम्स, एक आती है लग्जरी आइटम्स. सो अभी जो जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है वो है एसेंशियल आइटम्स जिसके अंदर आता है हमारे चावल, आटा, कोलगेट, बिस्किट्स, कुछ भी जो मेजर आइटम्स हैं जो कि हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है उनकी ग्रोथ रेट अभी बढ़ रही है. लेकिन जो फैक्ट्रीज है वो अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है. एंड अगर ये चीज़ अभी सही भी होती है देन मेजरली 50% ऑफ द वर्कफोर्स ही फैक्ट्रीज के अंदर काम कर पाएगी. बिकॉज जो अभी COVID-19 की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी फैल रहा है. जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी काम नहीं कर पाएगी. इसे कहीं ना कहीं कुछ टाइम रिकवर होने में लगेगा. एंड अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, देन ऑलरेडी निर्मला सीतारामन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि 2020-2021 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो एस्टिमेट 6-6.5% रह सकती है. लेकिन अभी जो COVID-19 की सिचुएशन है उसके बाद में ये माना जा रहा है कि जो ये ग्रोथ रेट है दैट विल बी नियर 4.8%.
एंड अगर हम हमारा दूसरा सेक्टर इसके अंदर कवर करें तो वो है फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स अभी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर हम जेनेरिक ड्रग्स की बात करें देन इंडिया उसका लार्जेस्ट प्रोवाइडर है। सो जेनेरिक ड्रग्स के अंदर इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें देन नियर 80% ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो कि एड्स को ख़त्म करती है वो भी इंडिया ही सप्लाई करता है। सो इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम प्री COVID-19 की बात करें देन उसके अकॉर्डिंग जो फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट है वो $17.27 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 18 के अकॉर्डिंग थे एंड जो कि बढ़कर $19.14 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर हो गए थे। एंड जो मेडिसिनल स्पेंडिंग थी हमारी वो हम इंक्रीज कर रहे थे, बट अभी पोस्ट COVID-19 की सिचुएशन देखी देन पोस्ट कोविड ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। बट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें देन यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर नुकसान हुआ है एंड जो हमारी सप्लाई चेन है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो गई है। सो बहुत ज़्यादा नहीं बट अ स्लाइट शॉर्टेज ऑफ ड्रग हमें देखने को मिल रही है। सो गाइस आज के वीडियो में हम दो ही सेक्टर को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के सेक्टर्स को कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching this video. Make sure to subscribe this channel and also like this video. Stay tuned for more videos. Bye-bye. Take care.